भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा विवादित टिप्पणी करने का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज नगर पंचायत निवासी राजकुमार व नगर पंचायत इटवा में भाजपा नेता कमल द्विवेदी व रोशन सोनी नामक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर जिले में तनाव की स्थिति बन गई है। फिलहाल इस मामले में डुमरियागंज पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इटवा पुलिस द्वारा जांच की बात कही जा रही है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस जिला चेयरमैन नादिर सलाम की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उप जिलाधिकारी इटवा को ज्ञापन सौंपा। इस पर मीडिया से बात करते हुए नादिर सलाम ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक युवक द्वारा टिप्पणी की गई थी और अब इटवा में भी इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने को लेकर हमारे देश की विदेशों में लानत मलानत हो रही है, कई देशों ने तो व्यापार बंद कर दिया है। सरकार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं इसको लेकर उप जिलाधिकारी इटवा अभिषेक पाठक ने कहा कि मामला संज्ञान में है, जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। विराट 24 के लिए सिद्धार्थनगर से नियाम तुल्लाह की रिपोर्ट। तो आज उस जो है मार्गदर्शक को जिसको पूरी दुनिया अपने सर आंखों पर रखती है, जिसके लिए हजारों लाखों करोड़ों नौजवान अपने जानों को कुर्बान कर सकते हैं, उसके शान में लगातार गुस्ताखियां हो रही हैं। तो हमने शासन प्रशासन से मांग किया है और हम राज्य सरकारों से ये मांग करते हैं कि जिस भी राज्य में इस तरह के लोग हों उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, उन्हें संगीन धाराओं में उनके ऊपर कई धाराएं लगाकर उन्हें तुरंत जो है जेल के सलाखों में डाला जाए, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक उन्माद फैल जाएगा और पूरे हिंदुस्तान में जो क्या नाम है शांति व्यवस्था है पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगी। और इसी क्रम में आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान की एक छवि थी, विश्व गुरु की छवि बन रही थी, उसको भी इन नालायकों ने धूमिल कर दिया है। हुए हैं उसके संदर्भ में आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो हम उचित माध्यम से जो है महामारी तक पहुँचाएंगे और इस पर जो भी उचित कार्रवाई सर। सिद्धार्थनगर में भी और आप इटवा तहसील से आप जिलाधिकारी हैं, यहाँ पर भी कुछ शरारती तत्व तो देखे गए, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? आपके द्वारा सूचित किया गया है और हम जांच करेंगे और फिर भी अगर इसमें कोई पाया जाता है तो उसकी वैधानिक कार्रवाई होगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला मंत्री सिद्धार्थनगर और इटवा निवासी रोहन सोनी पुत्र इंद्रेश सोनी ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लगाकर सिद्धार्थनगर की शांति व्यवस्था को भंग कराना चाहते हैं। इसी तरह के शरारती तत्वों की वजह समाज के सौहार्द को बिगाड़ते हुए धार्मिक उन्माद फैलाने का माहौल बनाना चाहते हैं। यदि ऐसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाले अराजक तत्वों को कठोर कार्रवाई न की गई तो भविष्य में कोई भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों पर कठोर दंड देते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाए। यदि उपरोक्त प्रकरण में हमारी मांग पूरी न की गई तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सदर प्रशासन की होगी।